हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल फूड डायरीज़ में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ दिवाली स्पेशल खस्ता मेथी मच्छी। जैसा कि दिवाली का पंच दिवसीय महोत्सव शुरू हो गया है, आज धनतेरस है, आप सबको धनतेरस की बहुत बहुत बधाई हो। तो आज शुरुआत करते हैं हम खस्ता मेथी मच्छी से। लॉकडाउन के चलते आप सब भी घर की मिठाइयाँ ही प्रेफर कर रहे होंगे, तो आज मैं मच्छी से शुरुआत कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने क्या क्या लिया है, चलिए झटपट से देखते हैं। तो आपने अजवाइन वाली प्लेन मच्छी तो खूब खाई होगी, आज मैं मेथी वाली, कसूरी मेथी वाली मच्छी बनाने जा रही हूँ। उसके लिए मैंने ये हाफ के जी मैंने मैदा लिया है। और उसमें मैं ये 1.5 स्पून में सॉल्ट डाल रही हूँ। आप अपने स्वादानुसार सॉल्ट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ स्पून में ये अजवाइन लेकर इसको थोड़ा सा इस तरीके से हाथ से क्रश कर लेंगे, जिससे इसका फ्लेवर एनहेंस हो जाएगा। तो ये डाल रही हूँ मैं, और करीब 2 स्पून मैं ये इसमें कसूरी मेथी डालूँगी। कसूरी मेथी को हम इस तरीके से कोई भी तवा या कोई पैन लेकर हल्का सा गर्म करेंगे, और उसमें 1 सेकेंड के लिए हम इसको गर्म कर लेंगे और फिर गैस ऑफ कर देंगे। उसके बाद ये थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाएगी, तो हाथ से मसल कर उसको डाल देंगे। तो बस हमें 1 सेकेंड के लिए ही गर्म करना है इसको। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और ठंडा होने पर इसको मसल कर डालते हैं। तो हम इसमें शिफ्ट कर देते हैं, जल्दी ठंडी हो जाएगी ये। तो ये देखिए, ये ठंडी हो गई है, और इसको इस तरह से मसल कर हम बिल्कुल ये पाउडर बना के इसमें डाल देंगे। और अब हाफ के जी मैदा के लिए मैंने 100 ग्राम ऑयल प्लस घी, देसी घी का मोयन दूंगी। टोटल 100 ग्राम ले रही हूँ मैं। तो हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे। अभी मैंने थोड़ा डाल दिया है और थोड़ा मैं देसी घी डाल रही हूँ। देसी घी का मोयन देने से बहुत खस्ता बनती हैं आपकी मच्छी। तो चलिए अब इसको गूंथ लेते हैं। तो ये आटा लगाते हुए ना आप इस तरीके से मुट्ठी बांध के देख लें। तो अभी मुझे थोड़ा कम लग रहा है, तो थोड़ा सा ऑयल और जाएगा। ये देखिए, आपकी मुट्ठी इस तरीके से बंधने लगी। तो तब तक हमें ऑयल डालना है। हाफ के जी में मेरा 150 ग्राम ऑयल या देसी घी, जो भी आपने डालना है वो लगा है। अब इसके बाद हम थोड़ा सा पानी डाल डाल के गूंद लेंगे। एकदम से पानी आपको नहीं डालना है, वरना आटा ढीला हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा डालकर आप गूंदते रहें। ज़्यादा पानी नहीं लगेगा आपका, बहुत कम पानी लगाना है हमें। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा डालते रहें और गूंदते जाएँ। और एक साथ डाल दिया तो ढीला हो जाएगा और आपकी मच्छी पूरी बन जाएंगी, खस्ता नहीं बनेंगी। तो ये देखिए, हमारा डो लग गया है और
हमने इतना पानी लिया था, ये सारा पानी लग गया है। तो आपको थोड़ा थोड़ा करके डालना है और इस तरीके से टाइट डो लगाना है आपको, ढीला नहीं लगाना। और अब इसको हम करीब 10 से 15 मिनट इसको रेस्ट करने देंगे और उसके बाद हम इसकी मच्छी बेलेंगे। तो 15 मिनट हो गए हैं, इस तरीके से हल्के 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 वाइट वाइट ये डॉट डॉट्स आ गई हैं आटे पे, इसने अंदर तक मोयन सोख लिया है। तो अब हम इसको इस तरीके से करके हम छोटे छोटे इसकी लोइयां तोड़ लेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने इसकी लोइयां तोड़ ली हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी है, मार्केट जितना ही साइज रखना है। और इधर हमने गैस ऑन कर दी है, कढ़ाई में खूब सारा ऑयल ले लिया है। तो अब आपको मच्छी हमेशा अनइवन होती है, तो या तो आप इस तरीके से दबाएं और ये आपकी मच्छी तैयार, या फिर आप बेलन से भी बेल सकते हैं, हल्के हाथ से इस तरीके से बेलन से बेल लें, क्योंकि मटरी की कोई शेप नहीं होती, हमेशा अनइवन रफली ही हम उसको बेलते हैं। तो मैं इसको सिर्फ इस तरीके से दबाऊंगी और तल लूंगी। तो देखिए मैंने इस तरीके से काफी सारी बेल ली हैं। तो चलिए हम अपना ऑयल भी देख लें कि गर्म हुआ नहीं हुआ, इस तरीके से हम थोड़ी सी इसमें डाल के देख लेंगे। तो देखिए ये डालते ही एकदम से ऊपर आ गई, तो इसका मतलब हमारा ऑयल परफेक्ट गर्म हो गया है। तो अब ये हमने हाई फ्लेम पे इसको एक बार गर्म कर लिया, अब हम बिल्कुल इसको लो कर देंगे। और जो हमने ये मच्छी बेली थी, अगर आपने इस तरीके से डाल दिया तो वो पूरी की तरह फूल जाएंगी, तो हम इसे फोक से इस तरीके से प्रिक कर लेंगे, प्रिक करेंगे और डालते चले जाएंगे, इस तरीके से प्रिक कर देंगे। ये बहुत ज़रूरी है प्रिक करना, वरना ये फूल जाएंगी। तो हमने ऑयल ज़्यादा लिया है क्योंकि काफ़ी सारी एक साथ तल लें, और ये हाफ केजी का बना रही हूँ, हमारा 3 बैचेस में हो जाएगा। तो इसको हम बिल्कुल लो फ्लेम पे 15 मिनट तक तलते रहेंगे। बस एक बार में हम इतनी ही डाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं भरना है वरना कच्ची रह जाएंगी। तो जब तक ये होती हैं तब तक हम बाकी भी बेल लेते हैं। साथ साथ इसे बीच बीच में पलटते रहें, वरना ये एक साइड से सिक जाएंगी। तो देखिए इसको करीब 25 मिनट हो गए हैं इसी तरीके से लो फ्लेम पे पकते हुए। देखिए ये एकदम से गुलाबी होने आई, हमें ऐसा ही कलर रखना है, ज़्यादा आपको पकाना नहीं है, ज़्यादा डार्क नहीं करना है वरना कड़वापन आ जाएगा। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं, और जैसे ही ये पकने आती हैं देखिए ये वापस से नीचे बैठना शुरू हो जाती हैं, तो इसका मतलब ये पक गई हैं, ये नीचे जा रही हैं, ये देखिए हैवी हो जाती हैं और नीचे जाना शुरू हो जाती हैं, ये देखिए।
चलिए इसको किसी पेपर पे निकाल लेते हैं ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल हो पेपर सोख लेगा। तो लीजिए ये हमने निकाल ली हैं और इसी तरीके से हम अपना दूसरा बैच भी तल लेंगे और इनको भी इस तरीके से प्रिक करके हम डाल देंगे। बाकी भी इसी तरीके से तल लीजिएगा। तो बस इसको ठंडी होने दें, बिल्कुल ठंडी हो जाए उसके बाद किसी कंटेनर में भर के रख दें। ये 15 से 20 दिन 1 महीना तक भी खराब नहीं होती अगर आपने इसी पेशेंस से बनाई। अगर आपने जल्दी जल्दी निकाल दी तो वो पूरी की तरह ढीली हो जाएंगी। तो एक मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए ये बहुत इजीली, बहुत खस्ता है, बहुत इजीली टूट रही है ये देखिए। तो चलिए इसको सर्व करते हैं इस तरीके से। किसी भी प्लेटर में निकाल लीजिए आप, देखिए कितनी अनइवन सी बनी है और कलर कितना अच्छा आया है। और अगर आप इस तरीके से एक बार बना लेंगे तो बाजार की, मार्केट की गारंटी है आपको अच्छी नहीं लगेगी। मैं हमेशा ख़त्म होते ही बना लेती हूँ। तो ये आप किसी भी इवनिंग स्नैक में खाएं, सुबह की चाय के साथ खाएं। तो अभी दिवाली है तो दिवाली पे तो बनाएं। इसमें मेथी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो बहुत ही खस्ता बनी है और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। चलिए झटपट से बनाना शुरू करें और अपना एक्सपीरियंस मुझसे कमेंट में शेयर करें। और अगर आप तक अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर एक और नई रेसिपी के साथ एक और नए दिन। और जब तक आप खुद नहीं बनाएंगे कुछ तो लगेगा ही नहीं कि त्योहार है। तो चलिए घर पे बनाएं और मैं मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। तो तब तक बाय, टेक केयर।